गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी तो हम एक एनर्जी पढ़ चुके थे, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे। इसका जो हमने फॉर्मूला था वो क्या था? एक बटे दो एम वी स्क्वायर। एक बटे दो एम वी स्क्वायर। एम क्या था? एम उसका क्या था? ऑब्जेक्ट का क्या था? मास था। एम ऑब्जेक्ट का क्या था? मास था। वी वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वी ऑब्जेक्ट की क्या थी? वेलोसिटी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी थी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन के कारण अगर वर्क की कैपेबिलिटी आती है या कैपेसिटी आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण उसमें वर्क की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी आती है, तो वही कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। वही उसकी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। ये हमने परसों देखा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और ये हमने उसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की, जैसे हमने गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन देखी थी, वैसे हम किसकी देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोटेंशियल की वजह से, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोटेंशियल की वजह से कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी पोटेंशियल की वजह से कैपेबिलिटी ऑफ वर्क आता है, तो वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ रही है, तो वही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। अब इसका हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या देखेंगे? हम फॉर्मूला देखेंगे। तो सपोज है, मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस। ये है हमारी अर्थ सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से एच डिस्टेंस तक, ये एच हाइट तक, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से एच हाइट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ। ये पहले कहां था? ये पहले यहां था, ये पहले अर्थ सरफेस पे था। अब हमने कह रहा है इस पर वर्क करा, वर्क करके ये हमने इसको क्या करा? एच हाइट तक ले गए। कहां तक ले गए? एच हाइट तक ले गए। तो एच हाइट तक ले जाने में जो हमने वर्क करा है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एच हाइट तक ले जाने में जो हमने वर्क करा है, वही क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क हमने करा है वो किसके अपोजिट करा है? स्मॉल जी के। किसके अपोजिट करा है? स्मॉल जी के। क्योंकि स्मॉल जी की डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ की तरफ। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? अपोजिट। कहां जा रहे हैं? अपोजिट। तो वो जो हमने वर्क कराया वो किसके अपोजिट करा है? स्मॉल जी के। तो वर्क हमने किया एम जी एच। वर्क हमने क्या करा? एम जी एच। यहां पर एच हम, ये हाइट हो गई, और एम जी क्या हो गया हमारा? ये मास हो गया, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी हो गई, और ये क्या हो गया? एच हाइट हो गया। तो ये वर्क हमने करा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एच हाइट तक ले जाने में जो वर्क करा वो हमने ये है। इस वर्क की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो गई? इस वर्क की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम यहां से छोड़ देते हैं, अगर इसे फ्री फॉल होने देते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होने देते हैं, तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कहां आएगा? अर्थ सरफेस पर आएगा। कहां आएगा? अर्थ सरफेस। और ग्रेविटी उसमें काम करेगा। ठीक है, अब एक अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, इसी को समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेकर चले, देखो
और इसके साथ साथ एक छोटा सा लॉ और देख लेते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसमें हम सपोज करते हैं ये क्या है, हमारी अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। हमको एनर्जी का कंजर्वेशन रूल देखना है तो हम यहां पर दो एनर्जी की बात करेंगे। देखो पहला होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पहला होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। उसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन दो एनर्जी को इस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने अर्थ से, मान लेते हैं उसकी हाइट कितनी है, h, क्या है h, हमने ऐसे होल्ड कर रखा है उसको। ठीक है, अब जब इस स्थिति में, इस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस से ऊपर है उसको होल्ड कर रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। और उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। ये उस कंडीशन में है जब हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एच हाइट पर होल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? ये हमने होल्ड कर रखा है, ऐसे उसको होल्ड कर रखा है, तो होल्ड कर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अब क्या करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्री फॉल होने देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम ऐसे फ्री फॉल होने देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रहा है अर्थ सरफेस की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जब ये नीचे आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगी? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? मिनिमम, मैक्सिमम। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। जैसे यहां पर ये मैक्सिमम थी, ये मिनिमम, तो यहां पर नीचे आकर जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल से मुक्त गति से कहां आ रहा है? पृथ्वी की सतह की तरफ आ रहा है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी, जैसे जैसे ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, वैसे वैसे ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जब इसको हमने होल्ड कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अब हमने क्या करा? फ्री फॉल कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल क्या हो जाएगी? मिनिमम। क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो दोनों का जो टोटल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, और इन दोनों का टोटल करते हैं कि ये दोनों किसको डिफाइन करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का टोटल क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली ये कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी। वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी हमको लॉस होता है एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से होता है, पर जब आप इनको प्लस करके लिखेंगे तो प्लस में एनवायरनमेंट फैक्टर लिख देंगे, तो तीनों का टोटल किसके बराबर होगा? मैकेनिकल एनर्जी के। ये हमारा क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल समझना है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल समझना है तो बहुत सिंपल है। देखो ये एक स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। ठीक है, एक्सपेंड कंडीशन, इसको हम क्या करते हैं? फोर्स लगाकर, इसको हम फोर्स लगाकर करते हैं कंप्रेस। इस स्प्रिंग को हमने फोर्स लगाकर क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। मतलब
इसकी ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस, ये कंप्रेस कंडीशन में, तो फोर्स लगाया मतलब इसके ऊपर वर्क करा, तो वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्या हो गया, स्टोर, क्योंकि हमने वर्क करा स्प्रिंग को, हमने फोर्स करा तो फोर्स मतलब वर्क करा स्प्रिंग के ऊपर, तो वर्क करा तो वही वर्क किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम फोर्स हटा लेंगे, जैसे ऊपर से फोर्स हटा लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये स्प्रिंग वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। एक इसका एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग एक्सपेंड अवस्था में थी, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस, फोर्स लगाया इसका मतलब हमने स्प्रिंग के क्या करा, वर्क करा, तो वर्क करने की वजह से उसमें क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, जब फोर्स को हटा लेता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है उसी की वजह से स्प्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, पहले की तरह क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा वर्क एंड एनर्जी, थैंक यू।